Hello and welcome to the channel Switch Diet and Lifestyle. Renal Calculi, Renal Stone या पथरी जिसे हम कहते हैं एक बहुत ही common condition है और इसमें बहुत severe pain होता है. एक herb है जो इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है renal stones को break करने में और उनको बाहर flush करने में. आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी herb है और इसको लेने का क्या तरीका है और ये कितनी effective है. इससे पहले हम जानते हैं कि symptoms क्या होते हैं renal calculus में. इसकी वजह से बहुत सीवियर पेन होता है जो कि कॉलिकी होता है, यानी वेव्स में पेन आता और जाता रहता है. पेन की जो साइट होती है वो हमारा फ्लैंक रीजन होता है, पीठ से शुरू होकर लॉइन रीजन से ये रेडिएट होता है आगे की तरह, और यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. यूरिन के साथ खून आता है जिसको हम हीमेच्यूरिया कहते हैं, प्लस इसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है या अगर इन्फेक्शन है तो फीवर विद चिल्स हो सकते हैं. तो ये एक बहुत पेनफुल कंडीशन है और इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें जिससे हमारा रीनल स्टोन जल्दी से बाहर हो. इसके लिए आप अपने पानी का इंटेक अच्छा रखें और प्लस अब मैं जिस हर्ब की बात कर रही हूँ इसको ज़रूर लें, और ये है डॉलिकॉस बाइफ्लोरस, इसका साइंटिफिक नाम है, या कॉमनली हम इसको कुल्थी के नाम से या कुल्थी की दाल के नाम से जानते हैं. जैसे हम और दाल को लेते हैं वैसे ये भी एक दाल है. इसको लेने के कई तरीके हैं, कई लोग जानते भी हैं कि इसको लेना चाहिए, लेकिन सही तरीका क्या है, कितनी डोज में इसको लेना है, कितने दिन तक लेना चाहिए और ये क्या साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है बॉडी में, इनको जान करके अगर आप लेंगे तो ये आपको ज़्यादा असर देगी, ज़्यादा हेल्प करेगी. आइए जानते हैं कि हम इसको कितनी फॉर्म्स में ले सकते हैं. पहला तरीका है इसकी पाउडर्ड फॉर्म लेने का, आप जिसमें इस दाल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें और ग्राइंड करके रख लें. इसका जो पाउडर है उसको एक चम्मच सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले या खाने के एक घंटे बाद गर्म पानी से लें, दो समय लें इसको. दूसरा तरीका है कि आप इसको दाल की तरह ही ले सकते हैं, जैसे आप और दाल खाते हैं तो इसको हर अल्टरनेट डे या वीक में दो बार इसको खाने में पका करके लें. इसको रोज़ नहीं लेना है क्योंकि ये थोड़ा गैस्ट्राइटिस करती है, पेट में एसिडिटी को बढ़ा सकती है. आगे भी हम बात करेंगे कि और कहाँ कहाँ इसको नहीं लेना है. एंड थर्ड तरीका इसको लेने का है, इसका कोल्ड इन्फ्यूज़न बना लें, जिसमें रात को एक ग्लास पानी अराउंड 100 ml पानी में इसके 3 से 4 चम्मच को भिगो के रख दें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको आप छान करके इस पानी को पी लें. ये इसका कोल्ड इन्फ्यूज़न है और ये रीनल कैलकुलस को बाहर करने में हेल्प करता है. कितने दिन तक लेना है इसको, तो आप इसको आराम से 4 to 6 weeks तक ले सकते हैं अगर आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो. किन कंडीशंस में इसको नहीं लेना चाहिए, अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, जैसे नाक से ब्लीडिंग होती है कुछ लोगों को, या पाइल्स या हेमोराइड्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है, या हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेनोरेजिया है, या गाउट है, ऐसी कंडीशंस में इसको ना लें. इन कंडीशंस को ध्यान में रखकर अगर आप इसको अपने डाइट में ऐड करते हो या एज अ मेडिसिन इसको शुरू कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट से भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन होना हमें बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप पानी का इंटेक जो है उसको ऑप्टिमम करें, 1-3 से 4 लीटर पानी ज़रूर लें, और कॉफ़ी और टी इनको कम करें अपनी डाइट में. और जो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, हम लोग कैल्शियम की कमी है करके कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं जिनकी वजह से जो है ना कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लंबे समय तक कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं. यूरिनरी कैलकुलस के साथ मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये कंडीशन रेकर करती है. अगर एक पेशेंट को एक बार कोई पथरी हो जाती है तो वो अगर ठीक हो जाती है, नेक्स्ट कुछ मंथ्स बाद फिर से एक पथरी बन जाती है, तो ऐसे बार बार होती रहती है. तो ऐसे केसेस में इसको लेना बहुत फ़ायदेमंद है. ये बार बार कैलकुलाई होने का जो आपके बॉडी में रीज़न है उसको ख़त्म करती है. तो मेनली इसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये इतना अच्छा एक्शन है इसका, इसके अंदर जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें फाइटिक एसिड और फाइटेट फॉस्फोरस और टैनिन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से ये रीनल कैलकुलस को बाहर करती है. सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, एंड इट इज़ इवन प्रूवन बाय द रिसर्च ऑल्सो. इसके साथ ज़रूरत है तो आप कंसल्टेशन के बाद, बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनको ले सकते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और सेफ टू यूज़ हैं, जैसे कि वरुणादि क्वाथ है या नीरी है, सिस्टोन है, ऐसी कई मेडिसिन हैं जिनको आप कंसल्ट करें और उसके बाद स्टार्ट करें ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो और कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Stay tuned for more informational updates.
Stay happy, stay healthy, take care.